वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे MSCET 2021 सिलेबस। ओके, सो इट्स बीन रिसेंटली रिलीज्ड एंड इज गोइंग टू बी इन द CBT मोड, दैट इज ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सिलेबस एंड मार्किंग। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ मच सिलेबस इज एंड व्हाट विल बी द स्कीम। ओके, इट्स रिसेंटली रिलीज्ड। So let's discuss what is the syllabus, how much is coming from your 11th standard, how much is coming from your 12th standard, and how the pattern will be. So let's see how it goes. So few things about that syllabus and marking scheme of the first year of engineering and technology, then pharmacy and फार्मा डी डिग्री कोर्सेज। सो दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर योर इंजीनियरिंग और आपकी जो फार्मेसी जो आप करते हो उसके लिए ये एप्लीकेबल है, राइट? फार्मेसी एंड फार्मा डी डिग्री कोर्सेज। सो लेट्स सी द हाईलाइट्स देयर। द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, सो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। So people who are willing to give and they are willing to be here in Maharashtra, and for them it's applicable. Secondary year higher education, then approximately 20% weightage will be given to 11th standard. So यहाँ पे आपका 11th standard भी बहुत matter करेगा, because they have given almost 20% weightage to this, and 80% is for your 12th standard curriculum. Then the third point is there will be no negative marking. Okay, so like we have got in JW or other thing, I think they got the negative marking, but here we don't have that. So there will be no negative marking. We know this is the standard one only, and difficulty level will be as par with the JEE mains. Okay, so they wanted to say that the difficulty level will be JEE मेंस एग्जाम के लेवल तक का होगा फॉर मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड डिफिकल्टी लेवल फॉर बायोलॉजी विल बी एज पर द नीट। इनडायरेक्टली दे आर टेलिंग यू दैट बी लाइक इन द मूड ऑफ लाइक फुल प्रिपरेशन। लाइक पीपल हु जॉइंग फॉर इंजीनियरिंग, जो JEE कर रहे होते हैं वो CET दे रहे होते हैं, या फिर अलग स्टेट के जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो दे रहे होते हैं। सो दिस विल हेल्प यू दैट एवरीथिंग इज़ ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म। तो आपको हर एक लेवल की जो पढ़ाई कर रहे हो वो लेवल तक आपको मेंटेन करके रखना है। सो करेंटली दिस इज़ द दिसंबर मंथ गोइंग ऑन, राइट? सो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, सो आई विल पुश यू फॉरवर्ड। आप पढ़ाई शुरू कर दो अभी। द क्वेश्चंस विल बी मेनली एप्लीकेशन बेस्ड, लाइक हाउ द MCQ थिंग कम्स, सो इट्स लाइक दैट ओनली। नाउ फोर्थ पॉइंट, दे सेइंग दैट MSCET will consist of three question papers of MCQ, and each paper will be of 100 marks. Okay, let's see the details. आगे और क्या बोल रहे हैं वो लोग, let's see that. Yeah, so MSCET will be consist of three question paper of MCQ. आपको चार ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है राइट वन कौन सा है, एंड ईच पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स। डिटेल्स आर गिवन बिलो हियर। सो विल बी हैविंग पेपर वन फॉर डेडिकेटेड मैथ्स के लिए है, फिर सेकेंड पेपर फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड देन थर्ड पेपर इज फॉर बायोलॉजी। दोज हु प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग दे जनरली गो विद पेपर वन एंड टू, राइट? एंड पीपल हु आर इन टू फार्मेसी आई थिंक बायोलॉजी विल बी फॉर देम। नाउ हियर इफ यू सी द वेटेज, दिस इज 10 मार्क विल बी फ्रॉम approximately number of multiple choice question based on, okay? So basically it's multiple choice questions, okay? So 10 question will be from here and 40 will be from here, okay? So total it's going to give us 80 marks and this is 20 marks. So basically the combination of 20 from 11th standard and bacha hua jo aapka 80% hai, that is from your 12th standard. So jisko bahut zyada acha marks score karna hai, suppose we have got total to 200 मार्क्स, सो अगर आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस चाहिए तो द बेस्ट स्ट्रेटजी विल बी ट्राई टू हिट दिस, सो नो वन गोइंग टू स्टॉप यू गेटिंग योर डिजायर्ड कॉलेज, ठीक है? अगर 190 नहीं हो रहा है तो
एटलीस्ट ट्राई विथ 180 प्लस, एंड वो भी नहीं हो रहा है तो 170, बट ट्राई टू एम हाई, जितना आप एम हाई करोगे सो दैट विल बी मोर गुड, यू विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स, सो एम हाई बिकॉज स्टिल इनफ टाइम इज देयर, दिसंबर जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल, आई डोंट नो व्हेन द एग्जाम विल कंडक्ट, बट स्टिल आई थिंक आफ्टर अप्रैल और मे समवेयर दैट, सो विल सी व्हाट द टाइम टेबल इज गिवन बाय ओके द बोर्ड्स एंड द पीपल हु आर इनटू दिस, सो स्टार्ट प्रिपरेशन राइट नाउ ओनली. तो ये आपको जो ड्यूरेशन है वो 90 मार्क्स फॉर ईच, दिस वन 90 मार्क्स फॉर दिस कॉम्बो फिजिक्स और केमिस्ट्री. तो यहाँ पे आपको बहुत स्पीड रखना है बिकॉज ओनली द 90 मिनट्स आर देयर. ओके सो दिस इज हाउ द मार्क कंट्रीब्यूशंस आर बेसिकली. सो ये मुझे लग रहा है दिस विल बी ऑफ 50 मार्क्स दिस एंड 50 मार्क्स दिस, राइट? सो इट विल कंट्रीब्यूट अस फॉर 100 मार्क्स. सो ये जो तुम्हारे 200 मार्क्स है दिस इज गोइंग टू मेक योर करियर, राइट? सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस और जस्ट गो अहेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ. ओके व्हाट टॉपिक्स विल बी कमिंग फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड. ओके बिकॉज दिस इज ऑल्सो गोइंग टू मैटर लॉट. जो आपका 12th स्टैंडर्ड है दैट इज ऑल्सो गुड, बट 11th इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग हियर. द क्वेश्चन विल बी सेट ऑन the full syllabus of 12th standard 2020-21. Please read this, listen it properly, of physics, chemistry, biology and maths subject, excluding portion which deleted, excluding the portion which is deleted by Maharashtra Rajya Pathya Pustak, okay, from this particular thing. So whatever is deleted, excluded, okay, excluded portion deleted by this, okay, so whole syllabus of 12th standard of maths, biology, chemistry, physics subjects, excluding portions which is deleted by, so I think they're not considering the excluded one of HSC examination due to COVID-19 pandemic situation. So this point is very important, please read it properly and confirm this particular thing. Then what chapters are coming from 11th standard, okay, so as per the syllabus 19 and 20, so please note these dates, the year here they are saying that this 20 and 21 is there and here they are saying as 19 and 20, okay, jo aap log ne last year padha tha usko uske hisab se karna hai isko, so please go according to that. सो आपने जो 1920 में पढ़ा होगा लास्ट ईयर का आपका जो बी बुक्स होगा उसमें से ये चैप्टर होगा उसमें, तो ये वाला चैप्टर इज कमिंग फॉर योर 11th सिलेबस पार्ट ऑफ योर सीटी एंट्रेंस. देन लॉज ऑफ मोशन इज देयर, देन ग्रेविटेशन इज देयर, थर्मल प्रॉपर्टीज है, साउंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड सेमी कंडक्टर्स भी हैं. सो काफ़ी कुछ पोर्शन है विच इज़ कमिंग फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड से आ रहा है. द सेम वे केमिस्ट्री में से आपको आ रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शंस, स्टेट्स ऑफ मैटर्स, ऑल वट एवर इज लिस्टेड हियर, एब्जॉर्प्शन, कोलाइड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड बेसिक. सो मैक्सिमम पार्ट दे हैव गिवन फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, ऑर्गेनिक से वेरी लेस पार्ट दे हैव गिवन. सो आपको प्रिपेयर करना है, ओके, सो आई थिंक यू शुड गेट स्टार्टेड, राइट? फिर मैथ्स में से यू गेटिंग ट्रिगोनोमेट्री टू, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मेजरमेंट्स, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, फंक्शंस. सो इट्स लाइक दे गिवन द ऑल बेस चैप्टर ऑफ द 11th स्टैंडर्ड एंड द करेंट ऑफ द 12th स्टैंडर्ड जो भी होता है वो उन्होंने दिया हुआ है. एंड गुड थिंग दे हैव डन लाइक दे सेड इनिशियली ओनली दैट JEE के एज पर द JEE थिंग ऑल्सो द डिफिकल्टी लेवल विल बी ऑफ दैट थिंग. सो जो JEE भी दे रहे होंगे, नीट दे रहे होंगे, तो उनके लिए अच्छा है कि आप पहले से वो लेवल का प्रिपरेशन चालू कर दोगे. सो आई थिंक दैट्स इट. और दिस यू विल गेट दिस थिंग यू कैन टेक इट फ्रॉम दिस और अदर साइड ऑल्सो यू विल गेट दिस थिंग. अगर आपको वो द नोटिफिकेशन चाहिए जो है तो यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर. आप गूगल पे टाइप करो आपको ये चीज़ तो आपको मिल जाएगा. सो थैंक यू एवरीवन. Okay, so I would say all the best. Okay, do well and start studying right now. Bye.